गिफ्ट है वो आ चुका है। बहुत खतरनाक है तेरा लड़का। अब ऐसे माल नहीं हो, बड़ी फन सी स्टोरी। Everyone's just a हाई एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माई चैनल। सो आज एक बहुत ही स्पेशल डे है बिकॉज आई एम गोइंग टू मीट विथ माई गर्ल फ्रेंड्स, जिनसे मैं लिटरली बहुत टाइम से नहीं मिली हूँ। मतलब हमारा चल ही रहा है, अब मिलते हैं तब मिलते हैं, अब मिलते हैं तब मिलते हैं। कभी मैं बिजी रहती हूँ, कभी वो बिजी रहती है, कभी तीसरी वाली बिजी रहती है। तो हम लोग का ऐसा होता है कि मिलते हैं तो हम तीनों साथ में ही मिलते हैं, दो एक साथ नहीं मिलते हैं। तो हम तीनों का बहुत पुराना ग्रुप है, मतलब बहुत पुराना ग्रुप है। जब मैं उन लोगों से मिलूंगी तब मैं आप लोगों के साथ बड़ी फन सी स्टोरी शेयर करूंगी। सो यस, अभी मैं फटाफट से शॉर लेने के लिए जाती हूँ। टाइमिंग हमारा डिसाइड हुआ है 2:30 और 3 समथिंग अप्रॉक्सीमेटली, इसी के आसपास। तो लेट्स सी कब मिलते हैं। तो फटाफट से शॉर लेकर के आती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, सो आई टुक शॉर, माई लंच इज कम्प्लीटली डन। तो अब मैं थोड़ा सा बालों को ठीक करूँगी, देखती हूँ स्ट्रेट रखती हूँ या कर्ल करती हूँ। बहुत टाइम से हमारे कर्ल भी नहीं करे हैं, तो लेट्स सी। थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज करते हैं और ड्रेस में मैंने निकाला है एक, तो definitely I'm going to wear this blazer with either this jeans or this jeans, let's see। टॉप में मैं सोच रही हूँ या तो मैं ये वाला टॉप पहनूंगी, इसका अभी तक टैग भी नहीं निकला है, मैं आज फर्स्ट टाइम इसका उद्घाटन करने वाली हूँ। सो लेट्स सी क्या पहनते हैं। वो अभी मैं अपने बालों को डिटैंगल कर रही हूँ अपने फिलिप्स आइकॉनिक ब्रश की हेल्प से। आई रियली लव इट, मैं इसको पिछले एक साल से यूज़ कर रही हूँ। डिटैंगल करने के बाद मैं क्या करूँगी, अपने बालों में हीट, क्योंकि मैं हीट यूज़ करने वाली हूँ, तो उससे पहले मैं ये ऑयल लगाती हूँ। इसका नाम है मोरक्कन ऑयल, बहुत ही अच्छा है। इसको मैं अपने बालों में ऐसे नीचे नीचे लगा लेती हूँ प्रॉपरली, जहाँ जहाँ पर भी मैं हीट यूज़ करने वाली हूँ, और अच्छे से यू नो रब कर लेती हूँ ताकि एक एक स्ट्रैंड में वो लग जाए। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर फिलिप्स का स्ट्रेटनर की हेल्प से ये इस तरीके से कर्ल्स करती हूँ। मैं कोई टोंग यूज़ नहीं करती हूँ, कोई अलग से रोलर यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ स्ट्रेटनर की हेल्प से ये कर्ल करती हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज कुछ ज़्यादा ही अच्छे कर्ल्स हो रहे हैं। समटाइम्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, समटाइम्स वो फेल भी हो जाता है एक्सपेरिमेंट, तो आज ये बहुत ही अच्छे कर्ल्स हुए हैं। सो दिस इज माई हेयर, इट्स डन, एंड आज बहुत ज़्यादा अच्छे हुए। मुझे लग रहा था कि इतने दिनों, अब देखना, अब जब किसी एक्चुअली में रीजन में मुझे करने होंगे ना, तब ऐसे माल नहीं होंगे। दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, दिस जीन्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द फेस मेकअप। इसको मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल के अंदर घुसा करके रखा हुआ है। माई स्किन एकदम प्रॉपरली, एंड फाउंडेशन के लिए आई एम यूजिंग दिस 25 वाला शेड। जब ये ख़त्म हो जाएगा ना तो मुझे एक बॉटल मंगवाना पड़ेगा। तो मैंने आई थिंक आपको बताया था कि मैंने एक मैक का NZ35 मंगवाया था फाउंडेशन शेड, जो कि मेकअप काफ़ी डार्क होता था। जो सैम्पल शेड्स मेरे पास आए थे 25 एंड 30, तो मैं इसमें 25 एंड 30 को मिक्स करके लगाती हूँ, और ये एकदम प्रॉपर मेरे स्किन शेड का बन जाता है। एंड यहाँ पर मैं लिप एंड चीक टिंट लगा रही हूँ, जो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ये स्टे भी करता है, पता है, चीक्स पे, मतलब आराम से 4-5 आवर्स, जब तक मैं मेरे फेस पे मेकअप रहता है तब तक ये स्टे करता है, ऐसे उड़ नहीं जाता है। लिंक डाल दूंगी मैं इसकी, अमेजन से लिया था। एंड यहाँ पर मैं NC40 जो है, इट्स माई शेड ऑफ दिस जो कॉम्पैक्ट है स्टूडियो फिक्स, इसका तो वो लगा लिया है। थोड़ा सा आईब्रो को मैं सिर्फ शेप करती हूँ थोड़ा सा, बाकी यहाँ पर आई में मैंने हल्का सा जो ब्राउन कलर का काजल है उसको लगा के स्मज कर रही हूँ, बिकॉज मुझे एकदम ब्लैक पसंद नहीं आता है। और बस उसके बाद लास्ट में लिपस्टिक को मैं मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं दो शेड्स मिक्स कर रही हूँ, एक तो रेड शेड है शुगर का, स्कारलेट और हारा, उसको सिर्फ मैं आउटलाइन करूँगी, हल्का सा स्मज करूँगी, और उसके ऊपर मेरा जो फेवरेट न्यूड शेड है, नायका का शेड है ये, जो मुझे बहुत पसंद है, पिछले 3 सालों से मैं यही न्यूड शेड यूज़ कर रही हूँ, उसके ऊपर लगा लूँगी। बहुत ही प्यारा म्यूटेड सा रेड कलर हो जाता है ये, जो बहुत एकदम चटक नहीं लगता है। तो ये मैंने लगा लिया है, एंड आई एम डन, आई एम रेडी। उसके बाद मैं शेड्स भी लगा के देखती हूँ। ऐसा आप लोग करते हो कि नहीं करते हो मुझे नहीं पता, बट मैं थोड़ा सा बहुत मनुष्य लग रहा हूँ, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे। सो आई एम ऑल रेडी, और ये वाला बैग लेकर के जा रही हूँ, और अपना पूरा ड्रेस बताती हूँ। और यहीं पे ना अभी बीच में संगीत हो रहा है, और जो ऐसे से पहले संगीत होता था ना, वैसा संगीत हो रहा है, मतलब गा रहा है कोई माइक में, और बहुत सही गा रहा है, और इतनी सीटियां और तालियां बज रही हैं कि मज़ा आ रहा है, मतलब मस्त माहौल बना हुआ है। यहीं ऊपर ही हो रहा है आई गेस, घर पे ही कर रहे हैं वो लोग, तो वैसा। और अब मैं कैमरे को अपने बैग में डालती हूँ, और जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ। एक्चुअली हम लोगों के पहले हमारा ऐसा हो रहा था कि हमको जो दोनों मेरी फ्रेंड्स हैं उसमें से एक का खुद का बुटीक है, शी इज़ अ बिजनेस वुमन, एंड जो दूसरी है शी, उसके दो बच्चे हैं। तो मुझे लग रहा था करिश्मा जिसके दो बच्चे हैं वो लेट करेगी, बट एक्चुअली में लेट दीक्षा कर रही है, दीक्षा,
तो अभी जाते हैं, सबसे जल्दी मैं ऑन टाइम तैयार हो गई हूँ एज़ यूजुअल। मैं बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हूँ टाइम की, ये दोनों मैडम लेट कर रही हैं, तो मैं आराम से निकलूँगी बिकॉज़ ये लोग आ रही हैं लाल घाटी से। लाल घाटी से इधर पे एक कोना है, मतलब काफ़ी दूर से आ रहे हैं वो लोग, तो मेरे तो घर के पास में ही है। ओके, सो आई एम हेयर एट द डेस्टिनेशन और अभी तक ये लोग नहीं आए हैं। एंड मैं आपको बहुत ही ज़्यादा फ़नी चीज़ बताती हूँ, ये रखी है मेरी फुटवेयर, मैं पहन करके आई थी स्लीपर्स बिकॉज मुझे अभी तक ये कैलकुलेशन मेरा नहीं बैठता है कि भाई हील्स में मुझे कितना प्रेशर लगाना है या कितना वो सब, अभी मुझे थोड़ा डर लगता है। तो मैं उन लोगों को कॉल लगा करके पूछती हूँ कि भाई कहाँ आए हैं दोनों, क्योंकि 4 बज गए, मतलब हमारा 2 बजे का प्लान था और अभी बज रहे हैं 4, मतलब सच में क्या बोलें अब। सो ये लोग मैडम लोग पीछे आ रहे हैं वहाँ से, हमारी मॉमी हेलो और ये है दीक्षा। हाय मम्मा बैठी है ना, मम्मा बैठी है ना, नहीं करने देगा ये फोटोज नहीं क्लिक करे। इसकी बेटी इतनी ज्यादा प्यारी है, मतलब हमने उसको शानू को हमने मतलब बहुत छोटे से देखा थी और शायद 20-30 डेज बाद हम आए थे देखने के लिए। और वो उसके बाद वो जब बड़ी भी हो गई थी ना, इनफैक्ट तब भी वो इतनी क्यूट है कि वो मतलब कर दे रो यार अपने अपना परेशान नहीं होने परेशानी करती। इसने इसको रुला दिया है। हाँ सीरियसली लड़के नहीं होने चाहिए लड़कियों। और ये आज हम लोग ग्रुप में बात भी कर रहे तो दीक्षा बोलती भाई तू उसको मत लेके आ, मुझे बोल रही है इसी के, हाँ तू उसको मत लेके आ, तू उसको ले गया। दीक्षा को पता है इसकी रियलिटी, मैं इसका टॉर्चर झेल चुकी हूँ भैया, ये कम नहीं थी जो ये भी आ गई। करिश्मा का बच्चा जिसने फाइनली इतनी मुश्किलों से एक फोटो लेने दिया है उसका, भाई बहुत खतरनाक है तेरा लड़का। I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us and we will help you through. 'Cause we only want what's best, what's best for you. 2 hours later. खिले भी तो चाहिए, ये मैं बोल रही हूँ दिखने भी तो चाहिए। साइड्स क्या? हाँ क्रॉप हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा। बस 2 मिनट देखो मम्मा डांस कर रही है यहाँ पे। तो हम लोगों ने एक बहुत सही रील बनाई है, आई डोंट नो सही बनी है कि नहीं बनी, वो मैं एडिट करते टाइम देखूंगी, बट जैसी भी होगी मैं डालूंगी जरूर, भले बिहाइंड द सीन करके डालूं पर डालूंगी जरूर, बहुत मजा आया। और वो रील मैं अपने चैनल पे भी दिखाऊंगी। थक गए भाई, हम लोग निकल रहे हैं, मतलब 9 सिक्कियों के साथ ये 2 सिक्कियां बैठी हुई, ये 9 सिक्कियां जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? लेक लेक जा रहे हैं, फिर वहाँ से इसके पतिदेव आएंगे और वो इन दोनों को पटक के ले जाएंगे, इनको इनके घर पटकेंगे, उनको उनके घर लेके जाएंगे। मेरी गाड़ी रखी है इसके घर पे। अच्छा, तो मतलब तू पीसी के घर जाएगी। हाँ। और ये शैतान बच्चा अब खुश है, आधा घंटा लगेगा हम लोगों का खून पीने के बाद। मैंने क्या पता, हिंदी भवन मुझे याद नहीं आया कौन सा। ठीक है ना, तो अब हम लोग जाते हैं। ये बाय। ओके गाइस, सो आई एम बैक और बड़ा मजा आया, मतलब हम लोग
ने आज बहुत लंबा टाइम स्पेंड किया है, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम स्पेंड किया है। हर बार ऐसे ही होता है, भागते दौड़ते मिलते हैं, बट आज बहुत आराम से सब फ्री होकर के आए थे, क्योंकि दीक्षा भी अपने बुटीक का काम खत्म करके आई थी, करिश्मा भी एकदम फ्री होकर आई थी, तो बहुत आराम से हम लोगों ने मस्ती करी, चिल मारा। एक्चुअली मैं इन्जॉय किया। मैं आप लोगों से मिलती हूँ डायरेक्टली कल, बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड, मेकअप वेकअप उतारती हूँ मैं, और वैसे भी मेरे पास ये कुछ आया है, क्या आया है ये मुझे भी नहीं पता है, मैं लेकिन अभी ओपन नहीं कर रही हूँ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं कल ही ओपन करूँगी। सो यस, मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो काफ़ी हो चुकी है मॉर्निंग, काफ़ी देर हो चुकी है, एंड ये जो पैकेज आया ना, अभी मैं इसको ओपन करती हूँ, देखती हूँ इसमें क्या आया है। बेसिकली दिस इज अ कम्फर्टर एंड डबल बेड कम्फर्टर, रिवर्सिबल है ये, ग्रे साइज है एक तरफ, और एक तरफ की ऐसे लेमन सा कलर है, तो मैंने ग्रे, मतलब हम ग्रे तरफ से भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट थोड़ा डिसेंट रहा है, और कभी आपको पॉप ऑफ कलर चाहिए सो यू कैन यूज़ दिस साइड, कभी दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ जो कम्फर्टर है ना, ये मशीन वॉश है, जो कि मच नीडेड होता है, मुझे ऐसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं जो आप घर पर आसानी से वॉश कर सकते हो। टन की बेडशीट है, बहुत अच्छी लग रही है, मतलब टच करने पे तो बहुत ही अच्छी लग रही है, एंड ये पीच कलर है, दिस इज़ नॉट ऑरेंज कलर, पीच कलर है ये, बट ये दिक ऑरेंज जैसा रहा है स्क्रीन पे, और उसमें जो पिलो कवर्स का कॉम्बिनेशन आया ना, ये बहुत प्यारा लग रहा है। एक तो ये ऑरेंज कलर का आया है, एंड साथ में ये पर्पल कलर का आया है, तो यू नो आप दोनों तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको अभी आज वॉश करती हूँ, और वॉश करने के बाद ओके गाइज, तो मेरा जो गिफ्ट है वो आ चुका है, जो मैंने आपको बताया था कि मैं लेने वाली हूँ, साल भर से मैं अमाउंट उसका ऐड कर रही हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दैट थिंग विद यू ऑल। दिन पहले ही आ गया, मतलब थैंकफुली 14 फरवरी, हाँ कल 14 था ना, हाँ यस, सो 14 फरवरी को वो गिफ्ट आ गया है, नहीं तो मैंने उनको वो भी तुक्के में, मतलब मैंने जस्ट उनको कॉल करके पूछा कि भैया आ गया है, बन गई है क्या, तो उन्होंने बोला यस आपकी रेडी है सामान, आप आ करके ले जाइए। तो फाइनली जो मेरा सामान है वो मेरे पास आ चुका है, एंड अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया था या मैंने क्या मंगवाया था। बहुत सारे लोगों ने पता है क्या गेस किया था, कुछ लोगों ने गेस किया था कि मैं कार परचेस कर रही हूँ, तो बहुत सा पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मैं कार परचेस करी, शायद मैं या तो बार बार ब्लॉग्स में बता रही थी कि मैं कार सीख रही हूँ। अभी कार लेने का मेरा कोई एज सच कोई मूड नहीं है, तो मैंने जो चीज़ परचेस करी है वो है ये। ओके, सो दिस इज़ अ डायमंड रिंग। मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं एक अच्छी हैवी जो डायमंड रिंग होती है ना, बड़ी डायमंड रिंग वो लूँ, और उसी के लिए मैं अमाउंट सेव कर रही थी पूरे साल भर से, एंड दिस इज़ द रिंग जो मैंने परचेस करी है। ऑर्डर करके आ गई थी मैं अपने बर्थडे के एक दिन पहले, 26 जनवरी को मैं ये रिंग ऑर्डर करके आई थी, और ये मैंने पूरी बनवाई है, थोड़ा सा कस्टमाइज करवाया है अपने अकॉर्डिंग। दो रिंग्स पसंद आए थे, एक तो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर डालूंगी, ये दो रिंग थी, एक कॉकटेल रिंग टाइप की, थोड़ी बड़ी सी थी, सेम प्राइस था दोनों का, तो जब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि मैं ये लूँ, विक्की से पूछा तो विक्की को ये पसंद आ रही थी, और फिर मैंने जब शॉप वालों से कंपेयर किया तो उन्होंने बोला मैडम आप ये वाली लीजिए, मतलब वो जो कॉकटेल रिंग है, बट वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी, मेरे को ऐसी चाहिए थी जो मैं डेली पहन सकूँ, रिंग जो है ना ये मैं डेली आराम से पहन सकती हूँ, लुक एट दिस। सो इसको मैंने कस्टमाइज़ क्या करवाया है, ये पूरा वाइट गोल्ड में था, और पर्सनली मुझे वाइट गोल्ड पसंद नहीं है, लेकिन जो डायमंड्स होते हैं ना वो वाइट गोल्ड एंड रोज गोल्ड पे ज़्यादा पॉप करते हैं, एंड रोज़ गोल्ड ऐसा होता है कि आप जब डेली पहनने लगते हो ना तो पहन पहन के फेड हो जाता है, लेकिन येलो गोल्ड इतना जल्दी फेड नहीं होता है, तो मुझे रोज़ गोल्ड भी प्रॉपर नहीं चाहिए था और मुझे वाइट गोल्ड भी प्रॉपर नहीं चाहिए था। क्या करवाया है उनसे, क्योंकि यहाँ पर डायमंड्स लगे हुए हैं ना, तो मैंने उनको बोला कि आप इतना इतना एरिया जो है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, इतना इतना जो एरिया है वो वाइट गोल्ड रखो, इसके जो ऊपर की ये जो सर्कल है ना, दिस सर्कल दिस इज़ रोज़ गोल्ड, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा पॉप हो रहा है, एंड ये जो पीछे का पार्ट है दिस वन, आप देख रहे हो यहाँ से ये ओम्ब्रे इफेक्ट आ रहा है, यहाँ उन्होंने प्रॉपर ऐसे गोल्ड रख दिया है। की का पहले ये थॉट प्रोसेस था कि इस रिंग को मैं डेली ना पहनूं, इसको मैं रख दूं अंदर एंड कभी सभी पहनूं, तो मैं बोला कभी सभी जाते ही कहाँ है, कहाँ जाते हैं ऐसा कि कभी सभी पहने, तो मैंने बोला नहीं मैं तो इसको डेली पहनूं, मुझे डेली पहनने के हिसाब से ही चाहिए। तो विक्की बोला नहीं नहीं फिर एक काम करो, विक्की ने आइडिया दिया कि जो मैं इंगेजमेंट रिंग पहनती थी उसको मैं निकाल दूं, ठीक है, तो हमने उसका भी एस्टिमेशन लिया, तो जितने की वो रिंग थी उससे ज़्यादा में ही गई, एंड क्योंकि अब गोल्ड का प्राइस भी बढ़ चुका है उससे ज़्यादा में गई, एंड इसके
50% आधे में वो रिंग निकल रहा था, मतलब अगर हम उसको वापस करते तो इसका जो प्राइस था वो 50% डिडक्ट हो जाता। तो विक्की हमारा शाणा है, विक्की ने सोचा कि भाई इसका आधा पैसा बचा लेंगे, भले किसी का भी पैसा होता, घर का ही पैसा है ना, तो विक्की ने सोचा चलो आधा पैसा अपन सेव कर लेते हैं, इसको वो कर दो, क्योंकि जब डेली पहनोगी तो ये साइड में रखी रहेगी और आपको पता ही होगा कि डायमंड का प्राइस बहुत कोई मतलब अप्रिशिएट नहीं होता है, आज से 5 साल बाद भी उसका कोई प्राइस अप्रिशिएट नहीं होने वाला है। तो विक्की बोलता है कि काम करो इसको निकाल दो, फिर कोई मतलब नहीं इतनी महंगी रिंग रखने का और दो दो एक जैसी रिंग रखने, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न प्रिंसेस कट वाला ही था, कर देते हैं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हमने निकाल दी, उसके बदले में ये ले ली, और क्योंकि मेरा एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड अमाउंट था कि मुझे इतने का लेना ही लेना है, वो पूरे की ये रिंग थी, बट फिर मैंने सोचा कि यार 50% मेरा अमाउंट तो बच गया है, तो मैंने एक और रिंग ले ली जो गोल्ड के लिए पैसा सेव रखा है वो गोल्ड में ही जाएगा, तो वो एक और रिंग मैंने ले ली। आई रियली लव्ड इट। हर बार तो कैसा होता है ना, अपने काम को लेकर के गिफ्ट कर देते हैं, लैपटॉप ले लेते हैं, कैमरा ले लेते हैं, जो भी बड़ी चीज़ अभी तक पिछले 2 साल से मैंने लिए काम को इन्हांस करने के लिए ही गैजेट्स वगैरह ले लेते हैं, यही सब चीज़ें लेते हैं, बट इस बार मैंने सोचा यार ये सब तो हो गया है, अब मैं खुद को एक अच्छा सा चीज़ दूंगी। मैं इसको अपने साइज़ का बनवा रही थी, तो क्योंकि जो जिस रिंग को मैंने देखा था वो काफ़ी बड़ी एंड मोटी सी थी, तो वो कट भी नहीं हो सकती क्योंकि आजू बाजू के डायमंड्स है वो सेटिंग हिल जाती है, तो मेरी पूरी पूरी नई बनी है क्योंकि मुझे ये सिर्फ ओम्ब्रे इफेक्ट और ये सा सब चाहिए था। तो मैंने उनको ये बोल के रखा था कि आप मेरे इसका गोल्ड का जो वेट है वो कम मत करना, वो ज़्यादा रखना, भले आप डायमंड कम कर देना, साइड के डायमंड गायब कर देना, क्योंकि एट दी एंड आफ्टर 5 ईयर्स गोल्ड ही बढ़ने वाला है, इसका डायमंड की वैल्यू कोई इतना अप्रिशिएट होती नहीं है, बट मेरा एक बहुत मन था अच्छी सी हैवी डायमंड रिंग में इन्वेस्ट करने का, तो वो मैंने करा। बताइएगा ज़रूर आप लोगों को कैसी लगी, एंड यही था मेरा बर्थडे गिफ्ट खुद के लिए। सो दैट्स इट फॉर माय वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।